1 का कोऑर्डिनेट कितना है, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट। ये 2 का कोऑर्डिनेट कितना है, रो सेकेंड एंड कॉलम फर्स्ट। उसके बाद में सेकेंड दूसरे, 2 का क्या पोजिशन, सेकेंड रो कॉलम सेकेंड। सो हे वेलकम गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 पैटर्न्स की। तो हाँ, ये तीनों पैटर्न को हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स ये वीडियो जो है लंबा होने वाली है, राइट। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये 1 by 1 इसको हम समझेंगे और साथ साथ कोड में लिखेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं कि ये पैटर्न इन सी नाम की प्लेलिस्ट है चैनल पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके एक हिस्सा है। इसमें मैंने बहुत सारे जो है वीडियोस पे ऊपर लेक्चर बना रखा है, राइट। तो आप मेक श्योर कि आप इसको चेकआउट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैटर्न एंड इसको हम करेंगे, कोड लिखेंगे, उसके बाद हम इसको समझ गए, कोड लिखेंगे एंड सो ऑन। तो ये सब सिमिलर है, बस एक दो लाइन का कोड हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑलरेडी अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और आपको मालूम ही होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में तो हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4 नंबर ऑफ रोज। तो हम एक एन नाम का वेरिएबल बनाएंगे और जिसमें हम यूजर से इनपुट मांगेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ रोज के लिए पैटर्न को ड्रो करना चाहते हैं, राइट। तो एक इंट डेटा टाइप का हम वेरिएबल बना लेंगे एन। ये पार्टिकुलर पैटर्न के केस में एन का वैल्यू कितना है, 4। वो जो यूजर है, यूजर से हम ले रहे हैं, यूजर कितना चाहता है, 4 नंबर ऑफ रोज के लिए ऐसा पैटर्न चाहता है, ठीक है। तो हम यूजर से लेंगे 4, तो एन हम बनाएंगे। उसके बाद में हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जो काम कर रहा होगा हर एक रो के लिए। तो यानी कि 4 नंबर ऑफ रोज के लिए पैटर्न्स बना रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट रो में क्या प्रिंट करना है वो हम इसके लिए बनाएंगे, सेकेंड रो में क्या करना है उसके लिए, थर्ड रो में क्या करना है उसके लिए। तो एक रो नाम का वेरिएबल बना लेते हैं यार, जो कि रो में क्या करना है उसको प्रिंट करेगा, उसके लिए काम करेगा, राइट। उसके बाद में हम कॉलम्स के लिए भी बना लेते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं, तो हर एक कॉलम में हमको क्या क्या प्रिंट करना है वो सब कॉलम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम कॉलम के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं COL, ठीक है। अब यहाँ से हम तो यूजर से n का वैल्यू ले लिए, मानिए कि हम यहाँ पे n का वैल्यू लेते हैं 4, ठीक है। तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं। अब ये फॉर लूप में क्या होगा, ये फॉर लूप हम चलाएंगे रोज के लिए, ठीक है, कि फर्स्ट रो चलेगा, उसके बाद में सेकेंड रो चले, थर्ड रो चले, फोर्थ रो चले, और ये रो कब तक चले, जितना तक n का वैल्यू है, ठीक है। तो रो को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, और हम चाहते हैं ये रो कब तक चले, 4 तक चले। तो रो कब तक चले, जब तक रो का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 से कम और 4 से नीचे, जब तक है रो, जब तक ये रो क्या लूप चले। तो यहाँ पे 4 है, यानी कि हम यहाँ पे n ले रहे हैं, तो हम 4 ना लिख के यहाँ पे जनरल तरीके से n लिख देंगे, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पे हम रो को अपडेट कर देंगे। तो ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप चल रहा है ये रोज के लिए। फर्स्ट फॉर लूप में ये रो चलेगा, जब ये दूसरी बार फॉर लूप चलेगा तो ये रो में जाएगा, तीसरी बार चलेगा तो ये में जाएगा, फोर्थ बार चलेगा तो इसमें जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमने ये रो के लिए फॉर लूप अपना लिख लिया, ठीक है। अब हर एक रो के अंदर हमको क्या प्रिंट करना है वो डिसाइड करेंगे। तो हम इसको प्रिंट करने वाले हैं कॉलम में, तो इसीलिए एक दूसरा फॉर लूप चला रहे हैं जो कि कॉलम के लिए काम कर रहा है, राइट। फर्स्ट में रो का वैल्यू, जब भी अब हम कॉलम और रो का पहले रिलेशन समझ लेते हैं, ठीक है। जब रो का वैल्यू 1 है तो कॉलम कितने बार चलेगा, 1 बार चलेगा, कॉलम भी चलेगा 1 बार। जब रो का वैल्यू 2 है, यानी कि रो, यानी कि जब यहाँ पे है इस रो में है, तो कॉलम कितने बार चलेगा, 2 बार, ओके, कॉलम भी चलेगा 2 बार। वैसे ही जब रो का वैल्यू 3 है, रो का वैल्यू जब 3 है तो कॉलम कितने बार चलेगा, 1, 2, 3 बार चलेगा ना, तो कॉलम 3 बार, यानी कि जितना रो है उतने बार उस रो में कॉलम चलाएंगे। यानी कि सेकेंड रो है तो उसमें 2 बार कॉलम चलाएंगे, थर्ड रो है तो उस बार उसमें 3 बार कॉलम को चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कॉलम को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, और चाहते हैं ये कॉलम कब तक चले, कॉलम चले जब तक लेस देन इक्वल टू रो है, वही ना, जब कॉलम का वैल्यू 1 रहेगा तो करेंट रो का वैल्यू भी 1 रहेगा, तो एक बार चलेगा,
जब कॉलम का वैल्यू 1 रहेगा और कैरेक्टर का वैल्यू 2 बार रहेगा, तो एक बार चलेगा अपडेट होगा फिर दूसरी बार चलेगा एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन हमने इस रिलेशन से फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने कॉलम को यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और इस फॉर लूप के अंदर यानी कि ये जो लूप चल रहा है ये रोज के लिए चल रहा है, ये जो लूप चल रहा है ये पार्टिकुलर कॉलम के लिए चल रहा है, ये पोजिशन के लिए। तब से रो में रो का वैल्यू 2 होगा तो कॉलम का वैल्यू 1 और 2 होगा, तो ये और ये पोजीशन करेगा, तब ये पोजीशन। अब हम सिर्फ पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन में क्या प्रिंट करना है हम अभी सोचेंगे, लेकिन अभी सब सिर्फ ये रो और ये रो ये पार्टिकुलर पोजीशन को बता रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप ये जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ प्लीज कृपया बहुत ध्यान दे के समझे, क्योंकि ये जो अभी समझ लेंगे तो हर एक पैटर्न के लिए आपको ये बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे मैट्रिक्स जैसा बना लेते हैं, ठीक है। ओके मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका पोजीशन क्या है। ओके तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, मैट्रिक्स जैसा। इसका वैल्यू क्या है, रो 1 कॉलम 1 एंड रो 1, रो 1 कॉलम इसका पोजीशन है, रो 2 कॉलम 2। तो सिर्फ यही पोजीशन हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। कैसे, देखिए जब रो का वैल्यू 1 है यहाँ पे कंडीशन 2 होगा, 1 <= 4, कंडीशन 2 तो इसके अंदर जाएगा। तो अभी रो का वैल्यू कितना है, 1 1, राइट। उसके बाद में यहाँ पे कॉलम का वैल्यू 1 है तो 1 <= रो, ठीक है। तो अभी यहाँ अब ये कंडीशन 2 हुआ तो इसके अंदर जाएगा, जो भी प्रिंट करना होगा हम करेंगे। तो अभी यहाँ पे कॉलम का वैल्यू कितना है, 1। तो ये एड्रेस किस पोजीशन का है, यहाँ का पोजीशन का है। तो अभी यहाँ पे हम जो भी प्रिंट करना है करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम जो प्रिंट करना वाला है हम यहाँ पे करेंगे, वो लिखेंगे। लेकिन हम समझते हैं ये पोजीशन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हम दूसरी बार फिर से चलाते हैं। अब मानते हैं कि ये खत्म हो जाएगा तो रो का वैल्यू अपडेट होगा 2, ठीक है। तो 2 <= 4, कंडीशन 2, देन अंदर जाएगा इस फॉर लूप में। अब यहाँ पे फिर से कॉलम का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो कॉलम का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसको हम पहले रो और कॉलम लिख रहे हैं, तो पहले रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ करेंट रो का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। अभी कॉलम का वैल्यू 1 <= कितना है, रो 2 है, तो कॉलम 1 क्या है, तो कॉलम 1। तो रो 2 कॉलम 1 कौन पोजीशन है, ये पोजीशन है, राइट। उसके बाद में फिर से यहाँ कॉलम अपडेट होगा तो 2, रो का वैल्यू 2 कॉलम का वैल्यू 2, रो का वैल्यू 2 कॉलम का वैल्यू 2, कौन पोजीशन है, ये पोजीशन। तो ऐसे ही ये पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहा है ये दो लूप। ये दो लूप हम क्यों चला रहे हैं कि ये पार्टिकुलर पोजीशन को आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं और क्लीन करके समझते हैं कि अब इसके अंदर हम कैसे प्रिंट करेंगे ये सारे वैल्यूज को। तो सेम लॉजिक रहेंगे यहाँ तक, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पर हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे। ओके ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्लीन कर दिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि वैल्यूज जो है क्या प्रिंट कर रहा है ये वैल्यूज, ठीक है। तो हम इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में तो 1 प्रिंट कर रहा है, उसके बाद में पहले 1 प्रिंट कर रहा है तब 2 कर रहा है, उसके बाद में 1 तब 2 तब 3। अगर गौर से देखा जाए तो ये कॉलम का वैल्यू है। कैसे, कि जब रो का वैल्यू कंडीशन 2 के अंदर आएगा तो कॉलम का वैल्यू कितना होगा, 1, और ये एक ही बार कर रहा है प्रिंट। अच्छा, तो इसको हम एक पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ तब आपको समझ आएगी, ठीक है। प्रिंट एफ में परसेंटाइल डी, क्योंकि ये कॉलम इंटरनल टाइप है, राइट। और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करें, कॉलम को प्रिंट करें, राइट। और उसके बाद में ये फॉर लूप खत्म, एंड इसके बाद में हम एक प्रिंट एफ की मदद से फिर से एक न्यू लाइन करेंगे ताकि ये न्यू लाइन में चली जाए। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो कॉलम का वैल्यू 1 है अभी फिलहाल, एंड 1 <= रो का वैल्यू 1 है। तो अभी कॉलम का वैल्यू 1 है ना, तो 1 प्रिंट करा रहे हैं हम, यहाँ पे कॉलम का प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू 1 कर दिया ना। उसके बाद में कॉलम का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो जब कॉलम अपडेट हो जाएगा 2, तो 2 <= 1, कंडीशन फॉल्स, तो ये जो प्रिंट है नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा।
तो उसके बाद में ये फॉर लूप से बाहर आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये एक न्यू लाइन, तो ये आ जाएगा ये लाइन में, राइट, ये लाइन में हम आ गए। तो अब ये क्योंकि यहाँ ये फॉर लूप से बाहर आने वाला है तो उसके बाद में यहाँ पे रो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, तो रो वन से हो जाएगा टू, टू इज लेस देन इक्वल टू एन, एन का वैल्यू फोर। अब ये फिर से कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से ये अंदर आएगा ये फॉर लूप के, और फिर से यहाँ पे कॉलम का वैल्यू वन है, वन इज लेस देन इक्वल टू, रो कितना है टू, टू। तो अभी फिर से यहाँ पे कॉलम का वैल्यू क्या है, अभी अभी फर्स्ट में ये जो कॉलम वन के लिए चल रहा है तो कॉलम का वैल्यू क्या है, वन है ना, तो यहाँ परसेंटाइल डी कॉलम को प्रिंट करा है, ये प्रिंट कर देगा। फिर से यहाँ पे कॉलम अपडेट हो जाएगा, ठीक है अपडेट कर दिया, फिर से कंडीशन ट्रू। अब यहाँ क्या प्रिंट कर रहा है, टू, यानी कि हम कॉलम का वैल्यू जो टू रखे वही प्रिंट कर रहे हैं ना, तो फिर से कॉलम प्रिंट कर दिए टू। उसके बाद में जितना नंबर वाला रो है, टू नंबर का रो है, तो दो बार कॉलम चलेगा, फिर से प्रिंट एफ की मदद से न्यू लाइन करेंगे तो अब आ जाएगा ये लाइन में। अब वैसे ही फिर से यहाँ पे रो का वैल्यू हम अपडेट कर दिए थ्री यहाँ से, और उसके बाद में कंडीशन टू, फिर से कॉलम का वैल्यू वन से लेकर थ्री तक चलेगा, तो पहले कॉलम का वैल्यू वन तो वन प्रिंट कर देगा, फिर से अपडेट होगा कॉलम का वैल्यू टू तो टू प्रिंट करेगा, फिर से अपडेट होगा थ्री करेगा, एंड फिर से न्यू लाइन, एंड इसमें जाएगा फिर वन टू थ्री फोर कर देगा। तो ये हमारा जो है संपूर्ण लॉजिक था इस पैटर्न के पीछे। अब कोई नहीं, अगले दो पैटर्न बहुत ईजी है, इसी में हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस यहाँ तक की वीडियो को बहुत अच्छे से समझें, नहीं समझे तो रिपीट करके देखें, क्योंकि यहाँ तक का कोड जो है बहुत जरूरी है आगे के दो पैटर्न समझने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्लान किया था अपने लॉजिक में, उसके लिए हम कोड कर लेते हैं ये लॉजिक फर्स्ट। तो इसमें इंट टाइप का हम तीन चार वेरिएबल बना रहे थे जो है एन, रो एंड कॉल, ठीक है। उसके बाद में हम प्रिंटर यूजर को मैसेज दे देंगे कि इंटर द नंबर ऑफ रोज। उसके बाद में एक फॉर लूप चलेगा जिसमें रो का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वन से, रो इज लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, एंड रो को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर फिर से एक दूसरा फॉर लूप चलेगा जिसमें हम कॉलम को चलाएंगे, तो कॉलम इक्वल टू वन, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू चलेगा रो के वैल्यूज तक, एंड उसके बाद में हम कॉलम को भी अपडेट कर देंगे, एंड इसके अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं वही कॉलम का वैल्यू, क्योंकि ये कैसे हमने कॉलम का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है वैल्यू, इसको हमने समझा था, तो वही कॉलम का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। एंड उसके बाद में इस फॉर लूप के बाहर आके हम एक न्यू लाइन को भी प्रिंट ऑफ कर देते हैं, न्यू लाइन, एंड दैट्स ऑल। तो ये हमारा कोड है, तो लेट्स, इसी को हमने समझा था, तो लेट्स रन दिस एंड चेक कि ये काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने रन दबाया, नाउ यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो फाइव नंबर ऑफ रोज के लिए कर लेते हैं यार, तो फाइव नंबर ऑफ रोज के लिए यहाँ पे अच्छे से सेम पैटर्न आ रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश करें तो यहाँ पे परसेंटाइल प्रिंट करने के बाद एक स्पेस देते हैं एंड इसको सेव करके फिर से रन करते हैं। सो अगेन ये पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो हम इस बार चेक करते हैं एट नंबर ऑफ रोज के लिए। सो हेयर वी गो, यहाँ वन वन टू वन टू थ्री एंड एट तक स्पेस के साथ अच्छा दिख रहा है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉजिक का फर्स्ट कोड, फर्स्ट पैटर्न। सो आपने वो लॉजिक समझा, उस वीडियो को समझा, अब हम सेकेंड पैटर्न के लिए लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने उस अगाड़ी के पैटर्न में हम दो तीन वेरिएबल बनाए थे और समझाए थे कि हर एक वेरिएबल क्या क्या काम कर रहा है, तो इसे हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं एन, जो कि यूजर से लेगा इनपुट नंबर ऑफ रोज के लिए। उसके बाद में रो, ये रो चलेगा हर एक रो में क्या प्रिंट करना है उसके लिए। उसके बाद में कलम, ये कलम प्रिंट करेगा कि हर एक कॉलम में क्या क्या प्रिंट करना है उसके लिए। ओके, तो हमने ये तीन वेरिएबल को बना लिया, राइट। तो
इसके पहले वाले वीडियो में हम तो कॉलम को प्रिंट कराए थे क्योंकि कॉलम वैसा चेंज हो रहा था, लेकिन इस पैटर्न में वैसा नहीं है, यहाँ पे कॉलम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्योंकि वन का वन, टू का टू टू रहेगा, थ्री में थ्री 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 रहेगा, तो यहाँ पे कॉलम अनुसार ये नंबर्स चेंज नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं इंट डेटा टाइप का, जिसको हम नाम रख देते हैं काउंट, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं वन से, ठीक है, जो वन से इस ये काम करेगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर कि आपने पोजीशन तो समझा होगा कि ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट कितना है, अगर रो कमा कॉलम है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, वन नंबर का कोऑर्डिनेट कितना है रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, ये टू का कोऑर्डिनेट कितना है रो सेकेंड एंड कॉलम फर्स्ट, उसके बाद में सेकेंड दूसरे टू का क्या पोजीशन सेकेंड रो कॉलम सेकेंड, या फिर थ्री के लिए क्या पोजीशन थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, अगेन थर्ड रो कॉलम सेकेंड, थर्ड रो कॉलम थर्ड एंड सो ऑन। तो आप ये पोजीशन को समझेंगे, मैं एज्यूम करता हूँ, नहीं समझे तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें। ओके, तो हमने यहाँ पे जो काउंट किया है, यहाँ पे हम काउंट को प्रिंट करें ना कि कॉलम को, कॉलम को हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम काउंट को करेंगे। तो अभी कैसे काउंट का काम करा हुआ, तो इसको हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर लूप बना रहे हैं जो कि चल रहा है रो के लिए। तो सेम जितना नंबर ऑफ रोज है उतने बार ये रो को चलाएंगे, तो वैसे ही करते हैं। ओके, तो हमने ये दो फॉर लूप किस लिए लगाएंगे आपको समझाया कि ये फर्स्ट में रो के लिए और ये पार्टिकुलर कॉलम के प्लेस के लिए। अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमको यहाँ पे प्रिंट करना क्या है, राइट। तो उस पहले वाला पैटर्न में तो हम यहाँ पे कॉलम को ही प्रिंट कर रहे थे, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन इसमें कॉलम को नहीं प्रिंट कर सकते क्योंकि इसमें वन वन टू वन टू थ्री वैसा नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो ये दो फॉर लूप तो रो और कॉलम के लिए चल रहा है, और ये कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट अनुसार काम कर रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर जो है प्रिंट कर रहे हैं काउंट को, हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे काउंट। तो ये इंट डेटा टाइप है, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डी एंड इसको हम यहाँ पे कॉमा दे के लिख देंगे काउंट, ठीक है। तो जब कॉलम का वैल्यू वन रहेगा, यानी कि फर्स्ट कॉलम में हर एक कॉलम के पोजीशन पे हम क्या प्रिंट करेंगे, हर बार काउंट को ही प्रिंट करेंगे जो कि है वन। उसके बाद में जब ये फॉर लूप से बाहर आ जाए, कंडीशन फॉल्स होकर जब ये फॉर लूप से बाहर आ जाए तो ये सेकेंड रो में चला जाएगा। तो सेकेंड रो में जाने से पहले हम कर देंगे काउंट को एक इंक्रीज कर देंगे एक नंबर से, ताकि जब ये यहाँ पे आए दिस पोजीशन पे आए तो काउंट का नंबर जो है अपडेट हो जाए, और अगेन ऊपर से आए तो यहाँ पे टू 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 ही प्रिंट करें, ठीक। जस्ट ये फॉर लूप खत्म होने के बाद में हम यहाँ पे काउंट को अपडेट कर देंगे, काउंट प्लस प्लस काउंट को अपडेट कर देंगे और प्रिंट एफ लगा देंगे एक न्यू लाइन के लिए, ताकि वो न्यू लाइन में चला जाए, और फिर से इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, राइट। तो अब ये कैसे काम कर रहा है इसको हम समझ लेते हैं, और उसके बाद में इसके लिए कोड लिखेंगे। ओके, काउंट का वैल्यू वन है, सो रो वन, वन इज लेस देन एन, वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, एन का वैल्यू फोर है। कंडीशन टू अंदर जाएगा, कॉलम का वैल्यू वन, कॉलम वन इज लेस देन इक्वल टू रो वन। कंडीशन टू अंदर जाएगा, परसेंटाइल डी में काउंट को प्रिंट कर रहा है जो है वन, तो ये वन हमारा प्रिंट कर दिया, राइट। उसके बाद में अब तो ये खत्म, कॉलम का वैल्यू टू है तो यहाँ पे टू अपडेट हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे काउंट में जो अभी वन था, काउंट में जो अभी इसको कहाँ लिखो, यहाँ चलो, काउंट में जो अभी वन था अब ये अपडेट होके कितना हो गया, टू हो गया है ना। तो अब काउंट में वन नहीं, अब टू रह रहा है, ठीक है। काउंट में अब कितना रह रहा है, टू, ये काउंट में रह रहा है टू। अब यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर रहे हैं न्यू लाइन, तो ये लाइन में आ जाएगा, ठीक है, ये लाइन में आ गया। अब फिर से यहाँ पे रो का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, रो का वैल्यू टू, कंडीशन टू, अगेन ये फॉर लूप में आएगा नीचे, तो कॉलम का वैल्यू वन है, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो, भी करेंट का वैल्यू कितना है टू, करेंट रो का वैल्यू कितना है टू, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड। तो रो टू एंड कॉलम वन, रो टू एंड कॉलम वन दिस प्लेस,
तो इस प्लेस पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, परसेंटाइल डी काउंट को। तो अभी काउंट क्या है, 2 है, 2 प्रिंट कर देंगे, राइट। तो अगेन यहाँ पे कॉलम अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम का वैल्यू हो गया 2, तो कॉलम 2 रो 2, कॉलम रो 2 कॉलम 2 दिस प्लेस। ये प्लेस में हम क्या प्रिंट करेंगे, सेम काउंट को। तो अभी काउंट चेंज नहीं हुआ, अभी कितना है, 2 का 2 ही है। तो फिर से हम 2 प्रिंट कर दिए, और फिर से यहाँ पे काउंट को हम अपडेट कर दिए। तो अब काउंट जो है इस फॉर लूप के बाहर आके कितना हो चुका है, 3। तो अभी काउंट अब कितना हो गया है, 3। उसके बाद में प्रिंट एफ न्यू लाइन, तो ये लाइन में जाएगा। फिर से यहाँ पे हम रो को अपडेट कर देंगे, 3 कंडीशन 2, देन उसके बाद में रो का वैल्यू 1, कॉलम का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा एंड रो लेस देन 3। तो 1 3 के लिए जो रो 3 कॉलम 1 इसके लिए 3 प्रिंट करेगा, फिर दिस पोजीशन के लिए 3 करेगा, दिस पोजीशन के लिए 3 करेगा। उसके बाद में ये फॉर लूप से बढ़ा के काउंट को अपडेट कर देगा 4, एंड ऐसे ही ये लूप चलता जाएगा, ठीक। तो आपने इसके लिए भी लॉजिक समझा, बस उसमें हम कॉलम को प्रिंट कर रहे थे, इसमें हम एक दूसरा वेरिएबल बनाए काउंट और उसको प्रिंट कर रहे हैं, और ये कॉलम के लिए जो फॉर लूप चल रहे हैं उसके बाहर उसको हम अपडेट कर दे रहे हैं। तो लेट्स मूव टू लैपटॉप। अब इसके लिए भी हम लॉजिक समझ लिए, इसके लिए भी हम कोड लिखते हैं और वेरीफाई करते हैं ये कोड उसके लिए काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद में हम थर्ड नंबर ऑफ पैटर्न्स के लिए समझेंगे। तो सेकेंड पैटर्न के लिए भी हम जैसा का तैसा वो जो वेरिएबल्स है उसको हम बना लेंगे, एंड उसके बाद में एक दूसरा भी वेरिएबल बना लेते हैं काउंट, और काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे हम 1 से, एंड इसके बाद में यूज़र को हम मैसेज दे देंगे इंटर द नंबर ऑफ रोज। फिर से हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि रो को इनिशियलाइज करेगा 1 से, एंड रो चलेगा लेस देन इक्वल टू n तक, एंड रो को हम अपडेट करते जाएंगे जैसा कि हमने कोड में देखा था। अगेन इसके अंदर फिर से एक कॉलम के पोजीशन के लिए हम अपने चला रहे हैं, तो कॉलम को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, कॉलम चलेगा लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज रो तक, एंड कॉलम को भी हम अपडेट कर देंगे, राइट। तो ये तो हमारा पोजीशन हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या प्रिंट करना है, राइट। तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे थे, हम कर रहे थे परसेंटाइल डी, वो है काउंट का वैल्यू, राइट, काउंट का वैल्यू। एंड उसके बाद में ये फॉर लूप से बाहर आ जाए तब हम यहाँ पे काउंट को अपडेट कर रहे थे एक बार, एंड उसके बाद में प्रिंट एफ कर रहे थे न्यू लाइन को। तो यही हमने समझा था, राइट, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये जो हमारा सेकेंड पैटर्न है इसको रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने रन किया, सो यहाँ पे ये पूछेगा इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं 6 के लिए। तो 6 नंबर ऑफ रोज के लिए देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये भी हमारा जो पैटर्न है अच्छे से हो रहा है, तो ये कोड ये लॉजिक भी हम समझ चुके हैं, राइट। तो अगेन अब डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पैटर्न के लिए। तो थर्ड पैटर्न कुछ इस तरीके से, तो हम डायरेक्ट प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ कर लेते हैं परसेंटाइल डी और इस काउंट को, राइट। अब यहाँ पे हम काउंट, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो काउंट का वैल्यू है कभी भी सिमिलर नहीं है, हर एक स्टेप के बाद जो है इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 कभी भी सेम नहीं है, कभी भी कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है, हर एक बार अपडेट हो रहा है सिंगल प्रिंट होने के बाद, डायरेक्ट प्रिंट होने के बाद अपडेट होके प्रिंट करेगा, राइट। तो क्यों ना हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो उसके प्रिंट के बाद इसको हम अपडेट कर दें कि प्रिंट हो जाए और उसके बाद में अपडेट हो जाए, प्रिंट हो जाए उसके बाद में अपडेट हो जाए, और उसके बाद में हम प्रिंट एफ कर देंगे न्यू लाइन। तो ये बहुत सिंपल है ना पहले वाला कोड से। अब पहले वाले कोड में हम इस फॉर लूप के बाहर लिखते हैं थे काउंट को प्लस प्लस, लेकिन अभी के लिए हम इसी फॉर लूप में काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, राइट। तो कैसे, तो फर्स्ट में तो काउंट 1 डिस्प्ले हो जाएगा और वो न्यू लाइन चेंज भी हो जाएगा, फर्स्ट में ये लूप खत्म हो जाएगा, तो सेकेंड रो में जाएगा, तो काउंट का वैल्यू 1 से अपडेट होकर कितना हो गया 2, तो 2 प्रिंट कर देगा और डायरेक्ट उसको अपडेट कर देगा 3। अगेन कंडीशन
ट्रू होगा तो यहाँ पे थ्री अपडेट थ्री प्रिंट कर देगा फोर, उसके बाद में फोर न्यू लाइन में आके करेगा, उसके बाद फाइव, उसके बाद सिक्स एंड सो ऑन। तो ये पहले वाले कोड से बहुत मिलता जुलता है, बस ये फॉर लूप के अंदर हम काउंट को अपडेट करें उसमें फॉर लूप के बाहर कर देते हैं। और ये कैसे काम भी कर रहा है इसको हम समझ सकते हैं, आप भी थोड़ा एनालाइज करें इसको समझें, मैंने तो अपने हिसाब से समझा दिया है। अब इसके लिए भी हम कोड लिखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए इसको अब थोड़ा ब्रीफली नहीं समझा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं खुद से। तो इसके लिए कोड लिखते हैं और इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। तो लेट्स राइट कोड फॉर दिस, एंड आप मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे बहुत मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो बाकी का आप समझ ही सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए इसके लिए हम कोड लिखते हैं VS कोड में। तो थर्ड पैटर्न के लिए तो सेम कोड वही है, बस हमको ये जो काउंट प्लस प्लस हम फॉर लूप के बाहर कर रहे थे इसको हम बस अंदर ही कर देंगे काउंट प्लस प्लस, ताकि प्रिंट होते ही वो काउंट अपने आप को अपडेट कर ले, राइट। तो सेम वही कोड है, बस यहाँ पे हमने काउंट को प्लस प्लस फॉर लूप के अंदर ही कर दिया। और यहाँ पे एक स्पेस भी प्रिंट करा देते हैं कि थोड़ा सा अच्छे देखो, और यहाँ से हमने सेव किया और इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो हम 8 नंबर ऑफ रोज क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो आराम से प्रिंट करते जा रहे हैं राइट। तो हमने अपना कोड अच्छे से लिख दिया। तो सो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ देखने को मिला तो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोडिंग के रिलेटेड बहुत सारे नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो